हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, लास्ट पोल में आप लोगों ने डिमांड किया था हिडन इंडिकेटर स्ट्रेटजी की। सो इन दिस वीडियो मैं एक ऐसे अननोन इंडिकेटर को रिवील करूंगा जिसे बस आपको कॉपी करके अपने चार्ट में अप्लाई करना है, एंड एक इस इंडिकेटर से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। और हाँ, ये एक मल्टी सिग्नल इंडिकेटर है, मीन्स एक ही इंडिकेटर में आपको चार कन्फर्मेशन मिलेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि एक बस ये इंडिकेटर आपको कितना एक्यूरेट सिग्नल दे सकता है। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है, हम फर्स्ट ओपन करेंगे ट्रेडिंग व्यू। नाउ रिमेंबर वन थिंग, अभी मैं जो आपको स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ उसे आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक में अप्लाई कर सकते हैं, और आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। आपको जो भी टाइम फ्रेम अच्छा रिजल्ट देता है, आप उसी से सेटअप बना के इस इंडिकेटर को अपने चार्ट में अप्लाई करें। नाउ यहाँ मैं कोई भी एक स्टॉक ओपन कर लेता हूँ। अब आपको इंडिकेटर के सेटिंग में जाकर यहाँ टाइप करना है SSS एंड इस सुल्तान वाले इंडिकेटर को ऐड कर ले। इंडिकेटर के सेटिंग में जाके इनपुट में MA लाइन को 45 में सेट करके अप्लाई कर दे। स्टडी शुरू करने से पहले मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ रिगार्डिंग दिस सेटअप। जैसा कि इंडिकेटर को देख के ही पता चल रहा है कि यह एक मल्टी सिग्नल इंडिकेटर है, तो यह इंडिकेटर आपको रोज सिग्नल नहीं दे सकता है, बिकॉज ये इंडिकेटर बहुत सारे फैक्टर को चेक करके सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो जितना हो सके हम ट्राई करेंगे बिग ट्रेड को कैच करने का, जिससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। सेकेंड, साइडवेज मार्केट में ये इंडिकेटर बिल्कुल भी काम नहीं करता, डेयरफोर साइडवेज मार्केट को हमें एकदम ही अवॉइड करना है। देखिए स्ट्रेटजी काफ़ी सिंपल है, जब भी मेन लाइन ग्रीन हो हमें ऑलवेज बाय साइड में ट्रेड करना है, और अगर ये मेन लाइन रेड हो तो हमें सेल साइड में ट्रेड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, इंडिकेटर का MA लाइन साइडवेज है एंड मेन लाइन रेड है, तो हमें वेट करना है कि कब मार्केट अपसाइड की ओर मूव करेगा और हम लॉन्ग का पोजीशन टेक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं MA लाइन और मेन लाइन क्रॉस होके ग्रीन कलर में चेंज हो गए हैं, और यहाँ क्रॉस पॉइंट में बाय का सिग्नल भी मिल गया है, तो जस्ट इसके आगे वाले कैंडल में हम बाय का पोजीशन टेक करेंगे। ध्यान दे, ये जो बाय का सिग्नल है ये ओनली अपसाइड के मार्केट में ही मिलता है, अगर आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो वहां सेल लिखा हुआ नहीं आएगा। तो इस सिग्नल के बाद हम बाय करेंगे एंड प्रॉफिट टारगेट अपने अकॉर्डिंग सेट कर ले। वैसे भी मैंने पिछले हर वीडियो में प्रॉफिट टारगेट को सेट करना सिखा दिया है। अब जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े ये देख सकते हैं हमें एक बड़ा मोमेंट कैच कर लिया है। शॉर्ट सेलिंग की बात करें, जब भी मार्केट अपसाइड में हो तो हमें वेट करना है कि कब इंडिकेटर का लाइन ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो। लाइक दिस, ध्यान दे शॉर्ट सेलिंग में हमें सेल का पॉइंट नहीं मिलेगा जैसे कि हमें बाय में मिलता था, तो हमें वेट करना है कि कब कैंडल भी इस क्रॉस लाइन के नीचे रेड कैंडल बनाए। जब भी कैंडल मेन लाइन को क्रॉस करे हमें प्रॉफिट टारगेट सेट करना है। सो यहां भी हमें प्रॉफिट हो गया, एज सिंपल एज डेट। तो स्ट्रेटजी काफी सिंपल है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। आई होप आप सभी को यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।